हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए न्यू वाली रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड ले गया हूँ 350। और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्जॉस्ट वगैरह कैसे लगाना है, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर हटाना कैसे रहना। बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है हमने रिमूव करा लिया, उससे इंजन पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं और बाइक में उसकी माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या क्या इसमें इशूज़ आ रहे हैं, क्या क्या इसमें बढ़िया आ रही चीज़ें, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आवाज़ चेक करा देता हूँ, आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने इसमें मिनी पंजाब शॉर्ट बॉटम साइलेंसर इंस्टॉल किया, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। कैटालिटिक कन्वर्टर ये वाली बाइक का हमारा हटा हुआ, कुछ ऐसे की साउंड रहेगी हमारी विदाउट कैटालिटिक कन्वर्टर। मिनी पंजाब हमारा साइलेंसर है शॉर्ट बॉटम। जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो कुछ इस जगह पे हमारा लगा होता, उसको हटवा के हमने एक फ्री फ्लो पाइप होता है वो लगवा लिया था। उसकी वजह से हमारी जो ये बुलेट है काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गई है और बैक फायर भी मार रही है। सबसे बड़ी बात ये, हमारे बुलेट पे एक पटाखे वगैरह नहीं लगते पर बैक फायर थोड़ी रेस वगैरह दे के छोड़ो, इसमें बैक फायर लगते हैं। सो कैटालिटिक कन्वर्टर हटा के पहली चीज़ तो ये रही है कि आवाज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गई है। सेकेंडली मैं बात करूँ इसकी जो आवाज़ की एक लाउडनेस कह सकते हैं, एक आवाज़ जो उसकी पूरी इंजन में से आवाज़ जो है खिल के निकल रही है पूरी। इसमें हमने शॉर्ट बॉटम वाला हमारा साइलेंसर इंस्टॉल किया, फ्यूचर में मैं इसमें और भी साइलेंसर्स की आपकी आवाज़ सुनाऊंगा तो चैनल से जुड़े रहना। और उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से हमारी जो माइलेज है, माइलेज पर बिल्कुल इंपैक्ट पड़ा। माइलेज हमारी अगर ये हमारी 35 की दे रही थी तो अब वही हमारी एवरेज गिर के 28 से 30 पे आ गई है। तो एवरेज की रेशियोज़ बताइए, एक रफ आइडिया बताया, बिल्कुल इस पर मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, आपकी बाइक कुछ और देगी मेरी कुछ और दे रही है। और इसमें एक और चीज़ रहती है जो हमारी परफॉर्मेंस पिकअप वगैरह रहती है, वो सर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, उधर तो आ रहा था कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर हटा दें तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो गिरेगी, बट नहीं, इसकी जो एक्सीलरेशन थी वो स्पीड की जो हमारी 0 से 50 जो स्पीड पे पहले जाती थी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा रही है। बेसिकली हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने से इशू क्या आता है इंजन में, मैं आपको वो बताता हूँ। हम कैटालिटिक कन्वर्टर हटा लेते हैं, उसके बाद हमारे इंजन में जो हमारी ये जो न्यू वाली बाइक है ये फ्यूल इंजेक्टेड होती है, वो सारा हमारा इसमें ECM होता है। इसका जो फ्यूल रेशियो, थ्रॉटल बॉडी, कितना थ्रॉटल दे रहे हो, कितना एक्सलरेट कर रहे हो, वो सारी रेशियोज उसके ECM में जाती है। कैटालिटिक कन्वर्टर हटा के अगर हमारे ये जो रेशियोज होती है ये मिसमैच होती है तो इससे हमारी बाइक में यहाँ पे इंजन चेक लाइट होती है, वो आ सकती है। इसके अलावा हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने से आपकी बाइक का पोल्यूशन नहीं होएगा। ये पोल्यूशन अगर आपको कराना है आप हटा के लगा सकते हो। और बहुत से लोग मेरे को कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि इसको लगाना लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहता है कि नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी लाउड साउंड चाहते हो या थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़े टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हो तो आप ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर हटा सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके मैं आपको फिर बता रहा हूँ। माइलेज डाउन गई है, एक्सेलरेशन इसकी बढ़ गई है और अपना एक साल का इसका वैसे पोल्यूशन हो गया था, सो भी पोल्यूशन का इशू आया नहीं है। और मैं महीना हो गया मेरे को चलाते हुए बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के, मैं इसको हार्ड थ्रॉटल भी कर रहा हूँ, सेंसिटिव थ्रॉटल भी कर रहा हूँ, हमारी कोई इंजन चेक लाइट नहीं आई अभी तक। ये ऐसे की लाइट होती है इंजन चेक लाइट, सो गाइस ऐसी और यूजफुल वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और ये वाली जो हमारी न्यू स्टैंडर्ड है इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है रॉयल एनफील्ड की, आप उसको भी एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।